आ रही उत्तरी हवा ने शहर में ठंड का एहसास बढ़ा दिया है। इसके साथ ही लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। वहीं अगले दो दिनों में आज की बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। बुधवार के मुकाबले गुरुवार को दिन के तापमान में गिरावट आई है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य था। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में अबदाब था, जिसके कारण इंदौर सहित प्रदेश में नमी आ रही थी। अब वह तट से दूर जा रहा है, इस वजह से उसका प्रभाव खत्म हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर पहुंच गया है, इस कारण अब उत्तर व उत्तर पूर्वी हवा चल रही है, इससे ठंडक बढ़ी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दो तीन दिन में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला है, कभी ठंडी कभी गर्मी, बारिश जैसा माहौल बन रहा है, क्या असर वातावरण में रहने वाला आगे का? देखिए, इस समय जैसा कि मैंने कहा था कि एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है अरब सागर में, और उसकी वजह से जो डीप डिप्रेशन है उसकी वजह से हमारे यहाँ थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है, और विंड डायरेक्शन भी हमारा परिवर्तित था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ ठंड कम पड़ रही थी, और क्लाउडी वेदर होने के कारण और कम ठंड में महसूस हो रही थी। इस समय अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे तापमान में गिरावट है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो लगभग 28 डिग्री सेल्सियस है, और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो भी लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ चुका है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि दोनों ही तापमान में गिरावट है। आज की और कल की यदि अपन बात करते हैं तो अभी जो डीप डिप्रेशन है उसका प्रभाव हमारे यहाँ परिलक्षित होगा, खासतौर से जो हमारा उज्जैन आगर मारवाड़ वाले रीजन है, उधर हो सकता है कि आफ्टरनून में हल्की बारिश भी हो और आइसोलेटेड वे में बारिश होने की संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं। इंदौर में तो बारिश की कम संभावनाएं हैं, परंतु जो उज्जैन आगर मालवा रीजन उधर का रीजन है, नीमच वाला रतलाम वाला, उधर बारिश होने की अभी संभावनाएं बनी हुई है, और हो सकता है कि आफ्टरनून में वहां पर हल्की बारिश प्राप्त हो। सर, अगले दो दिनों